नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव वंशराज आपका स्वागत करता हूं तक्षला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा के बारे में, जिसमें हम लोग लेक्चर 3.17 तक कंप्लीट कर चुके थे। और दोस्तों, आज हम लोग बढ़ेंगे लेक्चर 3.18 पे। तो दोस्तों, आज का सेशन हमारा जिस क्वेश्चन से स्टार्ट होता है वो है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहे हैं 220 वोल्ट और 500 वाट के दो बल्ब हैं, ठीक है। उनको 110 वोल्ट की लाइन में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है या लगाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति होगी? देखिए दोस्तों, बल्ब में शक्ति निकालने का सूत्र हमें पता है, ठीक। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम यहां पे आएगी कि अगर हम बात करते हैं शक्ति निकालने का सूत्र, तो सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि ये कितने वोल्ट पर काम कर रहे हैं। ये 110 वोल्ट पर काम कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल 110 वोल्ट से जुड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। आपको पता है श्रेणी क्रम में क्या होता है? विभव विभाजित होता है। अब 110 वोल्ट में से थोड़ा सा वोल्टेज इसको मिलेगा और बचा हुआ सारा वोल्टेज इसको मिलेगा। अब सबसे पहले हमें यह निकालना होगा कि पहले बल्ब को कितना वोल्ट मिल रहा है, दूसरे बल्ब को कितना वोल्ट मिल रहा है। सबसे पहले हमें यह फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हमें पता चल जाएगा कि, मान लीजिए हमको ये पता चल गया कि भाई पहले बल्ब को 60 वोल्ट का विभव मिल रहा है, इसका मतलब पहले बल्ब का कार्यकारी विभव, या यूं बोलें कि पहला बल्ब जितने वोल्ट पर कार्य कर रहा है वो है क्या, वो 60 वोल्ट है, ठीक है। तो इसके लिए वी का मान 60 हो जाएगा, ठीक। हाँ, ये दिया हुआ है कि ये बल्ब 220 वोल्ट दिया है, इसका मतलब ये होता है कि ये बल्ब 220 वोल्ट, इसको अधिकतम कितना चाहिए? इसको अधिकतम 220 वोल्ट चाहिए। 220 वोल्ट से कम होगा तो ये जलेगा, लेकिन थोड़ा धीमी रोशनी के साथ जलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर पहले बल्ब को 60 वोल्ट मिल रहा है, 110 में से 60 वोल्ट इसको मिल गया, इसका मतलब कि पहले बल्ब का कार्यकारी विभव कितना है? 60 वोल्ट, ठीक। कार्यकारी विभव अलग होता है, यहाँ जो दिया होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मतलब कि इस बल्ब को जलाने के लिए अधिकतम कितना चाहिए? 220 वोल्ट चाहिए। 220 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो बियर नहीं कर पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, और इसका प्रतिरोध हमें पता है, हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर हमें पहले बल्ब का कार्यकारी विभव पता चल गया है, उसका प्रतिरोध पता चल गया है, तो हम उसका आराम से उसका उसमें व्यय होने वाली शक्ति वगैरह निकाल सकते हैं। सेम यही काम दूसरे के साथ करना है, ठीक। तो सबसे पहला पर्पस ये है कि दोनों बल्ब के लिए प्रतिरोध निकालना है, ठीक। और देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। दोनों बल्ब जो है 220 वोल्ट के हैं और 500 वाट के हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही बल्ब जो है उनका प्रतिरोध समान होगा, ठीक। ये सूत्र होता है किसी भी उपकरण में व्यय होने वाली शक्ति का। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बल्ब की रेटिंग क्या है, ये से बोलते हैं बल्ब की या उपकरण की या ऑपरेटर्स की रेटिंग, ठीक है। जो भी हमारे पास ऑपरेटर्स होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उपकरण होता है, चाहे वो बल्ब हो, चाहे ट्यूबलाइट हो, चाहे पंखा हो, एसी हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो उस पर ये जो लिखा होता है कि वो कितने वोल्ट पर काम करेगा और कितनी वाट की पावर, कितने वाट की शक्ति को वो कंज्यूम करेगा, खपत करेगा, तो इसे बोलते हैं पावर रेटिंग, ठीक है। ये सब उसकी पावर रेटिंग कहलाती है। तो पावर रेटिंग देखिए, दोनों बल्ब की पावर रेटिंग सेम है, इसका मतलब दोनों बल्ब का प्रतिरोध एक जैसा होगा, तो दोनों के लिए अलग अलग नहीं करना है, आएगा वही, ठीक है। तो लिखेंगे कि प्रत्येक बल्ब का कार्यकारी विभव एवं शक्ति समान है, अतः दोनों बल्बों का प्रतिरोध समान होगा। तो इसलिए यहां पे हम लिखेंगे प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध, ठीक। सबसे पहले तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखिए दोस्तों, हमें पी दिया है और वी दिया है, हमें आर निकालना है। तो पी, वी और आर में केवल यही फॉर्मूला काम कर रहा है, यानी हम कौन सा फॉर्मूला उठाएंगे? हम लिखेंगे पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और यहां से हम लिखेंगे प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध, ठीक है। ये है आर, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन में P, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा? R इज इक्वल टू यहां पे V कितना है? V है आपको जो दिया गया है, ये है 220, और 220 का दोस्तों स्क्वायर करना है, तो हमने इसे दो बार लिख लिया, 220 क्रॉस 220, ठीक है। P कितना है? पावर दी आपको 500, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, देखिए जीरो से जीरो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। कितना बच रहा है? यहां से जो बचेगा वो R इज इक्वल टू आ जाएगा 22 × 22 / 5, ठीक है। इसको ऐसे ही रहन देते हैं, जो भी आएगा इसकी मात्रक इसका ओम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आपको पता चल गया दोनों बल्बों का प्रतिरोध, ठीक। और जब दोनों बल्ब का प्रतिरोध बराबर है, एक बात जान लीजिए, अगर किसी परिपथ में दो या दो से ज्यादा प्रतिरोध लगे हैं और सभी प्रतिरोधों का मान बराबर है, ठीक,
तो होता क्या है, श्रेणी क्रम में विभव विभाजित होता है। तो विभाजित होने वाली चीज, जो भी विभाजित हो रही है, अगर सारे प्रतिरोध का मान बराबर है तो विभाजित होने वाली चीज बराबर बराबर विभाजित होती है। ठीक है, मतलब अगर ये जैसे ये दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में लगे हैं, आपको पता है हर चीज का अपना प्रतिरोध होता है, तो बल्ब भी एक उपकरण है, उसका भी अपना प्रतिरोध होगा, और ये बल्ब का प्रतिरोध ही तो निकल कर आया है। ठीक है, यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये पहला बल्ब मतलब पहला प्रतिरोध यहां लगा है इतने का, और दूसरा बल्ब यानी दूसरा प्रतिरोध यहां लगा है, ये दोनों प्रतिरोध के मान बराबर हैं। तो ये दोनों प्रतिरोध, जब प्रतिरोध के मान बराबर होते हैं तो चाहे वो श्रेणी क्रम में लगे होंगे तो विभव विभाजित होगा, समांतर क्रम में होंगे तो धारा विभाजित होगी। अगर प्रतिरोध का मान बराबर है तो धारा हो चाहे विभव हो, जो भी विभाजित हो रहा हो, वो बराबर बराबर विभाजित होगा। ठीक है, इसीलिए यहां पे केवल दो प्रतिरोध लगे हैं, दो बल्ब हैं, तो हमने क्या किया, पहले बल्ब के किनारों पर विभव माना है वी डैश, दूसरे बल्ब के किनारों पर विभव माना है वी डैश, और ये दोनों ही विभव कितने हैं, बराबर हैं। यानी पहले वाले बल्ब के किनारों पर विभव है वी डैश, तो दूसरे वाले बल्ब के किनारों पर विभव कितना है, वी डैश है, और ये दोनों ही विभव किसके बराबर होने चाहिए, अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होने चाहिए। यानी जितना विभव हम लगा रहे हैं वही तो दो भागों में बटेगा, चाहे दो भागों में बटे, चाहे तीन भागों में बटे, चाहे बराबर बराबर बटे, चाहे असमान रूप से बटे, भाई अगर जितना वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं वही तो बटेगा ना, यानी 110 वोल्ट ही तो दो टुकड़ों में बटेगा। ठीक, तो यानी कि अब हम कह सकते हैं कि दोनों का प्रतिरोध समान है, इसलिए दोनों बल्बों के किनारों पर विभव पतन बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, श्रेणी क्रम संयोजन में विभव विभाजित होता है, इसलिए वी डैश प्लस वी डैश बराबर होना चाहिए किसके, वी के। तो यहां पे लिखेंगे वी डैश प्लस वी डैश बराबर होना चाहिए वी के, ये टू टाइम्स वी डैश इज इक्वल टू वी, यहां से वी डैश की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, 1/2 इंटू वी। ठीक है, और यहां पे आप वैल्यू पुट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी डैश इक्वल 1/2 इंटू वी कितना है, 1110। ठीक है, कितना आ जाएगा, वी डैश इज इक्वल टू 55 और वोल्ट्स। चलिए भाई, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब ये 55 वोल्ट का विभव इसे मिलेगा, 55 वोल्ट का विभव इसे मिलेगा। ठीक, अब देखिए दोनों में अंतर है, यहाँ पे जो 220 वोल्ट दिया था वो ये बता रहा था कि इस बल्ब को जलाने के लिए अधिकतम 220 वोल्ट चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है कि बल्ब को हम जला किस पर रहे हैं, 55 वोल्ट ही मिल पा रहा है, और जब बल्ब को 55 वोल्ट ही मिल पा रहा है तो वो बेचारा 55 वोल्ट पर ही जलेगा। ठीक है, तो इसका कार्यकारी विभव, अब हम लोग सारा काम किस पे करेंगे, इसके कार्यकारी विभव पर करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे प्रत्येक बल्ब में शक्ति व्यय इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, जरा इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, पी इज इक्वल टू वी वी, और यहां पे वी ना रख के हम लोग क्या रखेंगे दोस्तों, वी डैश कर दे रहे हैं, ताकि समझ में तो आए कि वी डैश मतलब कार्यकारी विभव की बात कर रहा है, रेटिंग पावर रेटिंग वाले विभव से मतलब नहीं है। ठीक है, वो तो एक स्टैंडर्ड के तौर पे देते हैं कि भाई 220 से ज्यादा मत लगाइए इस पे। ठीक है, खैर चलिए, अभी वी डैश की वैल्यू कितनी आई है, 55, स्क्वायर करना है दोस्तों, तो 55 × 55 दो बार लिख लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन में आसानी होगी, 55 × 55। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कैलकुलेशन में बचने के लिए, लंबे प्रोसीजर से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करें, थोड़ा सा अपने दिमाग को चलाएं। ऐसा करना है कि अगर किसी चीज़ का स्क्वायर लिखा है तो हम उसका स्क्वायर करके तब नहीं लिखेंगे, वरना स्क्वायर करने में अलग समय देंगे और फिर यहाँ पे डिवाइड करने में अलग समय जाएगा। जैसे यहाँ पे वी डैश का स्क्वायर था तो हम 55 का स्क्वायर निकाले पहले, फिर यहाँ पे लिखें, फिर उसको काटने में प्रॉब्लम हो, ठीक है, डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो, ऐसा काम नहीं करना है। वी डैश का स्क्वायर का मतलब है, 55 का स्क्वायर का मतलब ये हुआ 55 × 55, दो बार लिख लिया, क्या दिक्कत है, काम तो हमारा चल ही रहा है ना। ठीक है, अब R की वैल्यू यहां रखिए, कितना है, R की वैल्यू हमने निकाली थी 22 × 22, और ये जो अपॉन में 5 है वो अपॉन में आएगा, पलट जाएगा, वो इंटू में चला गया ऊपर। ठीक है, जरा इसको काटिए, 11 × 2 11 × 5 55 मतलब, ठीक है, 11 × 2 22 और 11 × 5 55। ठीक, अब देखिए क्या बचा, 5 × 5 × 5 / 4। ठीक, तो कितना बचेगा, P इज इक्वल टू 5 × 5 = 25 × 25 = 125। अब डिवाइड करिए, 125/4, अब 125/4 उसको डिवाइड करें कितना आएगा, 4 × 3 = 12। ठीक है, फिर 5 आएगा और एक बार में और डिवीजन होगा, अब कितना बचा, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 4 × 2 = 8। ठीक है, 2 बचेगा, 0 लगाएंगे, 4 × 5 = 20। ठीक, ओम, सॉरी ओम कह रहा हूँ, वाट। ठीक है, पावर निकालिए ना, तो मात्रक क्या हो जाएगा, वाट।
ठीक। चलिए भाई, तो यानी कि दोनों बल्बों में शक्ति व्यय कितना होगा, 31.25, ठीक है, 31.25 का शक्ति व्यय होगा, जबकि अधिकतम शक्ति व्यय कितना होना चाहिए 500, लेकिन हो रहा है कम। और क्यों नहीं कम होगा, क्योंकि इसे जलाना चाहिए था 220 वोल्ट पे, लेकिन बेचारा जल रहा है केवल 55 वोल्ट पे, तो 55 वोल्ट पे जल रहा है तो अंतर तो आएगा ही। और बल्ब इस केस में क्या होगा दोस्तों, बल्ब धीमे जलेंगे, ठीक है, बल्ब उतनी चमक नहीं देंगे, उतनी रोशनी नहीं देंगे, क्योंकि उनको जो वोल्टेज मिल रहा है वो केवल 55 वोल्ट का है, उनको चाहिए कितना 220 वोल्ट, 220 वोल्ट और 55 वोल्ट कितने का अंतर है, 4 गुना कम है, ठीक है। तो इसलिए चमक जो होगी बल्ब की वो 4 गुना धीमे जलेगा, ठीक, 4 गुना फीकी होगी उसकी रोशनी। ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन 29 का सोल्यूशन। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहे हैं, केतली में विद्युत धारा प्रवाहित करने के 15 मिनट पश्चात जल उबल जाता है, ठीक, यदि तापक तार की लंबाई घटाकर उसकी प्रारंभिक लंबाई की 2/3 कर दी जाए तो उसी वैद्युत वोल्टता पर जल की उतनी ही मात्रा उबलने में कितना समय लेगी, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन बिलोंग किधर से करता है। आपने दोस्तों एक इलेक्ट्रिक केटल पढ़ा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल केटल या इलेक्ट्रिक जो बॉइलिंग मशीन आती है, ठीक है, उसी की बात कर रहा है ये क्वेश्चन, वहीं से लिंक है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जब आप उसे, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक बॉइलिंग मशीन आती है उसमें आप क्या करते हैं, पानी को भर देते हैं और उसे सॉकेट में लगा देते हैं, जैसे ही आप ऑन करते हैं उसमें करंट फ्लो होना शुरू होती है और फिर वो कुछ समय बाद वो पानी उबलने लगता है, ठीक है, हीट अप होते होते वो उबलने लगता है। उसके अंदर ऐसा क्या होता है, उसके अंदर एक वायर लगा होता है, वो वायर हीटिंग एलिमेंट होता है, जैसे आपको हीटर में देखा होगा आपने, हीटर में जो वायर लगा होता है वो इतना गर्म हो जाता है कि वो हीट फेंकता है, हम उस पर आराम से उसकी हीट को यूज़ करते हैं, ठीक है, वैसे ही उसमें भी हीटिंग वायर लगे होते हैं, जब हम करंट सप्लाई करते हैं उसमें तो वो हीटिंग वायर करंट फ्लो होती है जब उस वायर में, तो वो हीटअप होने लगते हैं, मतलब वो गर्म होने लगते हैं, और जब वो गर्म होने लगते हैं तो वो अपनी गर्मी किसको देते हैं, पानी को देते हैं, और वो गर्मी पानी को देते जाते हैं, और इसीलिए पानी का टेम्परेचर धीमे धीमे बढ़ता जाता है, और जब पानी का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक आ जाता है तो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये है पूरा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। लेकिन दोस्तों अब इसमें बोल रहा है कि पहले 15 मिनट में पानी उबल रहा था, ठीक है भाई, अब क्या किया हमने, उसके हीटिंग एलिमेंट को काट के छोटा कर दिया, ठीक है, और काट के इतना छोटा किया है कि उसकी लंबाई जो है वो प्रारंभिक लंबाई की कितनी हो गई है, 2/3 हो गई, मतलब 2/3 या 2/3 हो गई है, ठीक है। तो अब कितना समय लगेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो हम ये मानेंगे कि जल को उबलने में कितना SH ऊष्मा चाहिए। देखिए भाई, इतना तो तय है, हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी भी द्रव्यमान मतलब किसी भी वस्तु के एक निश्चित द्रव्यमान को एक उसका ताप, किसी भी वस्तु के एक निश्चित द्रव्यमान का ताप एक निश्चित टेम्परेचर तक बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए Q=mS∆T, अगर किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा S है, उसका द्रव्यमान M है और उसके टेम्परेचर को हम ∆T डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा रहे हैं, तो उसको कितनी ऊष्मा चाहिए, इतनी ऊष्मा चाहिए, ठीक है। और तार से मिलने वाली ऊष्मा ही तो पानी को मिल रही है, यानी अब हमें क्या निकालना है, हमें ये देखना है कि पहले 15 मिनट में वो वायर कितनी हीट पानी को दे रहा था, फिर हम निकालेंगे कि उतनी ही हीट अब वायर को देने में कितना समय लगेगा। बस क्वेश्चन को इतना सा घुमाया गया है, ठीक है, आपसे वो ये देखना है कि पहले 15 मिनट में यही विद्युत केतली में लगा हुआ तापक तार, ठीक है, विद्युत केतली में लगा हुआ तापक तार 15 मिनट में कितनी ऊष्मा फेंक रहा है या कितनी ऊष्मा पानी को दे रहा है। फिर दोबारा हमको ये निकालना है कि वही तापक तार जब छोटा हो गया है तो उतनी ही ऊष्मा दे रहा है, क्यों भाई, पानी की मात्रा तो उतनी ही है, आपको आपने तापक तार की लंबाई को घटा के छोटा कर दिया, लेकिन पानी को इससे क्या मतलब, पानी को उबलने के लिए जितनी ऊष्मा पहले चाहिए थी उतनी ऊष्मा अभी भी चाहिए, ठीक है, बस अंतर आएगा तो इतना आएगा, समय का अंतर आएगा भाई, पहले तार लंबा था तो समय कुछ अलग लग रहा था, अब तार छोटा हो गया है समय कुछ अलग लगेगा। तो आपको यही निकालना है कि जब तार छोटा हो गया तो उतनी ही ऊष्मा फेंकने में तार कितना समय लेगा, बस इतना निकालना है, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर किसी तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं या अगर किसी तार के सिरों पर के मध्य हम लोग विभव आरोपित करते हैं V, उसका प्रतिरोध है R और समय है T1, तो T1 समय में कितनी हीट डेवलप करेगा, कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगा वही तार V² / 4.2 × R /
T1, ठीक है, इतनी ऊष्मा फेंकेगा तार। ठीक, चलिए ये तो पहले वाले की बात हो गई। अब हमने तापक तार को काट कर छोटा कर दिया है, तब क्या होगा? माना तार की लंबाई को परिवर्तित करने के पश्चात जल को उबलने में T2 समय लगता है, तब क्या होगा? तब दोस्तों H2 बराबर कितना हो जाएगा? V² / 4.2। देखिए दोस्तों, ऊष्मा को हमने H1 H2 लिया है, हालांकि मैं जानता हूं ऊष्मा बराबर होगी, क्योंकि पहले जल को जितनी ऊष्मा चाहिए थी उबलने के लिए, जल को इससे मतलब नहीं है, आपने तार को छोटा किया है लंबा किया है इससे मतलब नहीं है, उसको उबलने के लिए जितनी ऊष्मा पहले चाहिए थी उतनी ऊष्मा अभी भी चाहिए। कम समय में मिल रही है, ज्यादा समय मिल रही है, वो अलग बात है। ठीक, तो अभी हम लोग H1 H2 को बराबर कर देंगे, उसकी टेंशन नहीं लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए V दोनों जगह सेम है, क्यों नहीं सेम होगा? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यदि तापक तार को घटाकर उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 2/3 कर दी जाए तो उसी वैद्युत वोल्टता पर, यानी सेम वोल्टेज लेना है, समझ रहे हैं आप, सेम वोल्टेज लेना है, यानी जब पहले तार पूरी लंबाई थी तब भी वोल्टेज भी था, और जब हमने तार को काट के छोटा किया है लेकिन उस तार पे अभी भी उतना ही विभव लगा रहे हैं जितना पहले लगाया था, इसलिए पहले विभव V था तो अभी भी विभव V है, विभव चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों तार को काट दिया है, तार की लंबाई छोटी कर दी है, प्रतिरोध बदल जाएगा, प्रतिरोध बदल के R' हो गया, और समय भी अब कितना लग रहा है? T2 लग रहा है, तो इक्वेशन ऐसे अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, क्या करेंगे? हमें पता है कि भाई जल को उबालना है, पहले जितनी ऊष्मा H1 मिल रही थी अभी भी उतनी ऊष्मा मिलनी चाहिए, तो इसलिए हम लिख देंगे सिंस H1 इक्वल H2। ठीक है, क्योंकि जल को उबलने में समान ऊष्मा चाहिए, जल को उबलने में समान ऊष्मा चाहिए, तो चलिए बराबर करिए जरा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा V² / 4.2 × R × T1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय V² / 4.2 × R, ठीक, R' × T2। चलिए भाई अभी देखिए क्या क्या कट रहा है, V² से V² कटेगा, ठीक है, 4.2 से 4.2 कटेगा, कितना बचेगा? ये बचेगा T1 / R इक्वल, ये हो जाएगा T2 / R'। ठीक है, अब देखिए यहां पे मुझे R' की वैल्यू निकालनी है, सॉरी मुझे T2 निकालना है ना, चलिए तो T2 निकाल के T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T2 को एक तरफ रखिए सबको, दूसरी तरफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 R' / R। ठीक, अब आपको पता है यहां पे हम क्या रखेंगे, T2 इज इक्वल टू T1, और R को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, R बराबर होता है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, वाकिफ है आप इससे, कि R इज इक्वल टू कितना होता है, ρL/A। ठीक है, संकेतों का वही अर्थ है जो पहले था, मतलब किसी तार का प्रतिरोध R जो होता है वो उस तार के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता ρ × तार की लंबाई L/ तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A के बराबर होता है, यानी R = ρL/A। ठीक है, ρL/A, तो R' के लिए क्या हो जाएगा, R' = हो जाएगा ρL' / A, ठीक, डिवाइडेड बाय R, क्या है R, पहले प्रतिरोध था, R' तार को छोटा करने के बाद बदला हुआ प्रतिरोध है। ठीक है, तो R क्या था, प्रारंभिक प्रतिरोध, प्रारंभिक प्रतिरोध के लिए रो तो दोस्तों चेंज नहीं होगा, तो देखिए यहां पे चेंजेस क्या हुए हैं, R बराबर कितना होता है, R बराबर ρL/A होता है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ठीक है, L क्या है, तार की लंबाई, A क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। अब R' की बात करते हैं दोस्तों, R' बदला हुआ प्रतिरोध है, जब हमने तार को काट के छोटा कर दिया है तो उसका प्रतिरोध है। ठीक है, तो हमने R' की जगह लिखा है ρ × L' / A, ठीक, R की जगह हम लिख रहे हैं ρL/A। देखिए दोस्तों, दोनों R और R' दोनों के लिए रो का मान सेम है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि आप जानते हैं रो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, वो केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। सपोज करिए अगर लंबा सा तार जो हमने लिया था वो कॉपर का था, फिर हमने उसको काट के छोटा कर दिया, तो छोटा तार जो मिलेगा वो भी तो कॉपर का ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि वो एल्युमिनियम का हो जाएगा। ठीक है, यानी जो तार छोटा किया है मैंने, जो प्रतिरोध बदला है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध सेम है, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा, रो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, लंबाई कम हो गई, हमने तार को काट दिया छोटा कर दिया, लंबाई कम हो गई, तो हमने मान लिया कि लंबाई L से बदलकर L' हो गई है, तो हमने यहाँ पे L' लिख लिया। लेकिन दोस्तों एक ये भी सच्चाई है, आप खुद महसूस कर सकते हैं अपने अनुभव से, कि जब आप किसी तार को काटेंगे तो उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल तो बदलेगा नहीं, जब आप तार को
लंबाई के अनुदिश काटेंगे तब बदलेगा। तो ऐसे तो कोई तार को काटता नहीं, तार को हमेशा लंबाई के लंबवत दिशा में ऐसे कट कर दिया। जब आप तार को कट करेंगे तो ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जो होता है वो तो बदलेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए दोनों जगह ए लिखा हुआ मैंने, ठीक। अब देखिए, रो से रो कटेगा, ए से ए कटेगा, जो बचेगा वो लिखता हूं मैं, ठीक है। कितना आएगा, टी टू इक्वल, ठीक है, टी वन। टी वन मतलब जो पहले समय लग रहा था, पहले कितना समय लग रहा था, 15 मिनट लग रहा था पहले जल को बलने में, ठीक है। अभी कितना बचा है, ये बचा है L डैश अपॉन में L, ठीक। अब देखिए, ये हो गया 15 इंटू L डैश बराबर कितना है, L डैश बराबर मतलब बढ़ी हुई, सॉरी कटी कटी कटने के बाद लंबाई, ठीक है, कटी हुई लंबाई या कटने के बाद लंबाई, ठीक। तो ये हो जाएगा 2/3/L, ठीक है, डिवाइडेड बाई L। क्यों ऐसा किया, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, जगह नहीं है यहाँ लिख देता हूँ, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आपको पता है L डैश बराबर कितना है, 2/3 of L, ठीक है। क्योंकि L डैश है काटने के बाद बची हुई लंबाई, जब हम किसी तार को काट रहे हैं उसको ऐसा काटा कि उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 2/3 हो गई है, ठीक है, उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 2/3 हो गई है। तो बस सिंपल यहां रखिए, एल से एल कटेगा, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 15 × 2/3। जरा इसको सॉल्व करिए, 3 से काटेंगे इसको, ठीक है, 3 × 5 = 15, ये 5 × 2 = 10, कितना हो जाएगा, T2 = 10 मिनट। तो यानी कि अब आपने तार को काट के छोटा कर दिया, अब वो जल्दी उबल रहा है, ठीक, 10 मिनट में पानी उबल जाएगा। तो ये था इसका जवाब, ठीक। तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन का सलूशन, इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में कितना, 1350 यानी 1350 यानी 1350 जूल कार्य करना पड़ता है, परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल क्या है, ठीक। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कि भाई विद्युत वाहक बल की अगर हम बात करते हैं तो विद्युत वाहक बल को हम लोग लिखते हैं कैपिटल ई से, ठीक है। तो कैपिटल ई का जो मान है वो कितना होता है, कैपिटल ई बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन में क्यू, सेम जैसे विभव V बराबर W अपॉन क्यों होता है, वैसे ये भी W अपॉन क्यों होता है, बस अंतर इतना होता है यहाँ पे हमारा जो W है वो पूरे परिपथ में आवेश को घुमाने में हम जो कार्य करते हैं वो लिया जाता है, जबकि V की बात करते हैं तो वहां क्या होता है, वहां पे पूरे परिपथ में आवेश को गति नहीं कराना है, केवल सेल रहित, सेल के अलावा जो बाह्य परिपथ है उसमें गति कराने में किया गया कार्य होता है, जबकि ये क्या है, यहाँ पे सेल सहित पूरे परिपथ में गति कराने में किया गया कार्य है, ठीक। चलिए अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले W, और यहाँ देखिए आपको I का मान दिया है और T का मान दिया है, समय और धारा दी है, तो पहले चेंज कर लेंगे, Q बराबर I इंटू T कर लेंगे, ठीक है, यहाँ लिख देंगे Q इज इक्वल टू I इंटू T। चलिए भाई इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहां से वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा 1350 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 मिनट को पहले सेकंड में परिवर्तित कीजिए, क्योंकि हमें एमकेएस में वैल्यू रखनी पड़ती है और समय जो है, समय की समय का एमकेएस मात्रा क्या होता है, सेकंड, तो उसको सेकंड में रखना बहुत जरूरी है, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, ठीक। चलिए अब इसको काट के छोटा कर सकते हैं हम लोग, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, 5 से इसको काटिए, 5 × 10 और 5 × 7 = 35, ठीक है, इतना हो गया। अभी क्या बच रहा है, अभी देखिए ऊपर बचेगा 27 / 3 × 6, ठीक, अभी भी काफी कुछ कर सकता है, जैसे 3 से ये 9 times और ये आपस में फिर कट जाएगा, ये 3/2, टोटल कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, E इज इक्वल टू निकल के आएगा 3/2, दैट इज 1.5, और मात्रक क्या होता है दोस्तों, उसका वोल्ट्स, ठीक। तो ये इसका जवाब हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, किसी सेल का विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, ठीक है, आपको क्या दिया है, E का मान दिया है कितना, 5 वोल्ट, और आंतरिक प्रतिरोध दिया है 1 ओम, आंतरिक प्रतिरोध मतलब स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, 1 ओम, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम। यदि इन सेलों की दोनों प्लेटों को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिया जाए या जोड़कर परिपथ पूरा किया जाए, 9 ओम के प्रतिरोध से सेल को जोड़ा है तो 9 ओम का जो प्रतिरोध है वो बाह्य परिपथ का प्रतिरोध हो गया, बाह्य परिपथ के प्रतिरोध को हम लोग कैपिटल आर से लिखते हैं, कैपिटल आर इज इक्वल टू 9 ओम, ठीक है। तो
यदि इन सेलों की दोनों प्लेटों को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़कर परिपथ पूरा किया जाए तो सेल की प्लेटों के मध्य विभवांतर की गणना कीजिए। दोस्तों आपको V की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो क्या किया जाए, आपको पता है अगर आपके मन में ये वाला फॉर्मूला उठ रहा है कि E इज इक्वल टू क्या करें, E इज इक्वल टू V माइनस आई आर, ठीक है, सॉरी V प्लस आई आर, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, आपको धारा नहीं पता है, ठीक है, आपको फिर से प्रॉब्लम होगी। तो इसी के जैसा एक और फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव कराया था, वो यहीं से ड्राइव होता है। क्या होगा, सबसे पहले हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि I इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ठीक है। चलिए अभी देखिए, स्मॉल e पता है, कैपिटल R पता है, स्मॉल r पता है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे और वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। R इक्वल I इक्वल E की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन में R की वैल्यू है 1, कैपिटल R की वैल्यू है 9, ठीक है, कितना हो जाएगा 5/10। ये कितना निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा I इक्वल, ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर, ठीक है, 0.5 एम्पियर। चलिए भाई इतना हो गया, अभी क्या करना है, इसके बाद अभी मुझे सेल की दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर निकालना है, V की वैल्यू निकालनी। अब आप ये वाला फॉर्मूला इजिली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कि E बराबर कितना होता है दोस्तों, V प्लस आई आर, ठीक। यहां से आप क्या करेंगे, V की वैल्यू निकालिए, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ठीक, बस सब कुछ सेट है। यहां पे रखिए 5 माइनस I की वैल्यू कितनी आई है 0.5 और R की वैल्यू कितनी है 1, ठीक, स्मॉल R की वैल्यू बोल रहा हूं, ठीक। सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा, 5 में से 0.5 माइनस करेंगे कितना आएगा 4.5, तो ये जवाब आ जाएगा 4.5 और V है मात्रक वोल्ट्स, ठीक है। सेल की प्लेटों के मध्य विभवांतर मतलब टर्मिनल विभवांतर की बात कर रहा है, तो वो V होता है। तो चलिए दोस्तों ये से ये क्वेश्चन खत्म होता है, हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके दोस्तों, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर दिया है 1.5। एक बात जान लीजिए दोस्तों, जब परिपथ खुला होता है तो परिपथ में कोई धारा नहीं होती है, और जब परिपथ में कोई धारा नहीं है तो आपने एक सूत्र पढ़ रखा है ना कि E इज इक्वल टू कितना होता है V प्लस आई आर, ठीक है। अगर परिपथ में कोई धारा नहीं है मतलब धारा जीरो है, ठीक है, परिपथ खुला है तो खुले परिपथ में कोई धारा नहीं होती, जब परिपथ में कोई धारा नहीं है तो I इक्वल जीरो हो जाएगा, ठीक, क्योंकि परिपथ खुला है। अभी देखिए कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू यहां जीरो रखिए तो V आएगा केवल, यानी E इज इक्वल टू V। इसका मतलब कि जब परिपथ खुला होता है तो परिपथ खुला होने पर सेल की प्लेटों के बीच जो विभवांतर आता है वही उसका विद्युत वाहक बल होता है, यानी 1.5 क्या है, विद्युत वाहक बल है, ठीक है। आपको डायरेक्ट ना बोल के घुमा के दिया गया है ताकि अगर आप गलत करें, V को 1.5 मान ले E की बजाय, तो वो प्रॉब्लम करें, ठीक, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा देते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू कितना दिया है दोस्तों, 1.5, ध्यान रखिएगा इस चीज का जो मैंने अभी बोला, ठीक। खुले परिपथ में धारा नहीं है, धारा नहीं है तो मतलब I बराबर जीरो, I बराबर जीरो रखेंगे तो V बराबर E आ जाएगा, ठीक। चलिए, यानी कि खुले परिपथ में सेल की प्लेटों के बीच जो विभवांतर आता है वही उसका विद्युत वाहक बल है, ठीक है। इस सेल को 2 ओम प्रतिरोध से जोड़ा गया है, ठीक है, हमने क्या किया है, इस सेल को एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया है, और उस बाह्य प्रतिरोध का मान कितना है 2 ओम, 2 ओम के प्रतिरोध से हमने इसे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। जब आपने 2 ओम के प्रतिरोध से इसे जोड़ा है तो जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है 1.3 वोल्ट है, 1.3 वोल्ट विभवांतर है, ठीक। वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, R का मान ज्ञात करना है और 2 ओम में बहने वाली धारा ज्ञात करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जब आपने सेल को इस प्रतिरोध के किनारों पर जोड़ा है तो सेल से धारा निकलेगी, और दोस्तों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से धारा निकलती है, ठीक है। सेल हो चाहे बैटरी हो, धारा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से ही निकलेगी, तो मतलब यहां से निकलेगी, पॉजिटिव साइड से निकलेगी धारा, और फिर प्रतिरोध से क्रॉस होगी, और क्रॉस होने के बाद ये जो है वापस आ जाएगी किसमें, सेल में वापस आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इसका मान दे रखा है और V का मान दिया हुआ है आपको, V इज इक्वल टू 1.3 वोल्ट, ठीक है, और आपको कैपिटल R का मान दिया है, कैपिटल R इज इक्वल टू कितना है, कैपिटल R दिया है आपको, कैपिटल R बराबर 2 ओम,
ठीक है, ये बाह्य प्रतिरोध है। आप क्या ज्ञात करना है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है एवं 2 ओम में धारा निकालनी है। भैया 2 ओम में धारा मतलब संपूर्ण परिपत्र धारा, बात वही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोचिए फॉर्मूला क्या लगाया जाए। हम लोग को कैपिटल आर पता है, वी पता है और ई पता है, तो यहां से सबसे पहला काम करते हैं। एक हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि कैपिटल वी बराबर आई इंटू कैपिटल आर होता है, ठीक है, जहां कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध है और वी क्या है, सेल का टर्मिनल विभवांतर है, आई क्या है, परिपथ में धारा है। आपको वी का मान पता है 1.3, ठीक है, आई की वैल्यू नहीं पता है, कोई बात नहीं, लेकिन आर का मान पता है 2। यहां से आई की वैल्यू निकाली, कितना आएगा, आई इज इक्वल टू आ जाएगा 1.3 / 2, यानी कि ये निकल के आ गया आई इक्वल कितना आ जाएगा 0.65 और एम्पियर, ठीक है, इतना हो जाएगा ये। चलिए अभी करना क्या है, अभी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, यहां पे हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ठीक है, यहां से जरा आई आर की वैल्यू निकालिए, आई आर इज इक्वल टू E माइनस V, ठीक है, यहां से स्मॉल r की वैल्यू निकालिए, कितना आएगा, यह आएगा E माइनस V डिवाइडेड बाय I, ठीक, ओके, यहां से जरा सॉल्व करिए, R इज इक्वल टू E माइनस V, E कितना है 1.5, V कितना है 1.3 डिवाइडेड बाय I कितना है, I है 0.65, यहां रखेंगे 0.65, इसको जरा सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 0.65, इसको जरा सॉल्व करिए, ठीक है, यहां से डेसिमल हट जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 20/65, जरा इसको भाग करिए 5 से, 5 × 20 और ये 13 × 13 = 65 कट जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/13 और ये पूरा ओम, ठीक है। चलिए तो जवाब क्या है, आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, 4/13 ओम, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन समाप्त होता है, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, 12 वोल्ट की एक बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों, 3 ओम, 1 ओम और R, R मतलब कुछ वैल्यू होगी ओम, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, यही हमें फाइंड भी करना है, ठीक है, R ओम में धारा भेज रही है। आपको दिख रहा है दोस्तों चित्र में 3 ओम, 1 ओम और 8 ओम का प्रतिरोध जो है वो तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इन तीनों श्रेणी क्रम संयोजन को हमने जोड़ रखा है किससे, एक बैटरी से, ये बैटरी है ना कि सेल, ठीक है, बैटरी से जोड़ रखा है, ये बैटरी इसमें धारा भेज रही है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। जब एक वोल्टमीटर को 3 ओम के सिरों के मध्य, 3 ओम का प्रतिरोध कहाँ लगा है, यहाँ लगा है, तो 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के मध्य जब हमने वोल्टमीटर को जोड़ा है तो वोल्टमीटर को जोड़ने पर पाठ्यांक कितना आ रहा है, 6 वोल्ट का पाठ्यांक आ रहा है, ठीक है। चलिए परिपथ में धारा तथा आर का मान बताइए, ठीक, सबसे पहले तो हम धारा की डायरेक्शन बना लेते हैं। धारा मैंने बताया था करंट जो होती है वो सेल या बैटरी के पॉजिटिव साइड से निकलती है। कैसे पहचानेंगे कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव, तो जो लाइन लंबी दिखेगी बड़ी दिखेगी वो पॉजिटिव, जो लाइन छोटी दिखेगी वो निगेटिव। पॉजिटिव साइड से करंट निकलेगी, यहां से पास आउट होते हुए इधर 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 और फिर ये इधर, ठीक है, वापस, ठीक। चलिए अभी देखिए परिपथ में धारा का मान, एक बात बताइए, तीनों श्रेणी क्रम में है, ठीक है, तो श्रेणी क्रम का गुण क्या होता है कि श्रेणी क्रम में धारा विभाजित नहीं होती है। श्रेणी क्रम में जो धारा पहले प्रतिरोध से गुजर रही है वही धारा दूसरे, वही धारा तीसरे और वही धारा सारे प्रतिरोधों से गुजरेगी, इतना तो कन्फर्म है, ठीक। अब आप देखिए, जब हमने 3 ओम के सिरों के मध्य वोल्टमीटर जोड़ा है तो पाठ्यांक आ रहा है 6, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हम लोग वोल्टमीटर को किसी प्रतिरोध के किनारों पर जोड़ते हैं तो जो रीडिंग आती है दोस्तों वो प्रतिरोध के किनारों पर विभव पतन का मान होता है, ठीक है। यानी ये जो 3 ओम के किनारों पर वोल्टमीटर को जोड़ा है हमने और जोड़ने पर जो हमें 6 वोल्ट की रीडिंग मिल रही है, मतलब वो बता रहा है कि 3 ओम के प्रतिरोध के किनारों पर विभव पतन का मान कितना है, 6। यानी कि आपको एक तरह से V का मान दे रखा है, अगर 3 ओम में बहने वाली धारा I है और R का मान दिया है, V का मान दिया है, तो V बराबर आई आर लगा के हम निकाल सकते हैं, ठीक है, V इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। और यहां से I की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों, V अपॉन R, ठीक। अच्छा यहां पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये टोटल सेल कितने की, बैटरी कितने की है, 12 वोल्ट्स की, ठीक है। चलिए अभी यहाँ क्या है,
ये हम ध्यान रखिएगा V is equal to IR हमने लगाया है किसके लिए, केवल 3 ओम के प्रतिरोध के लिए लगाया है। तो यहाँ पे जो V है मतलब वो 3 ओम के सिरों के मध्य विभव पतन का मान है, ना कि ये वाला V है। ठीक, यहाँ पे अभी हम पूरे परिपथ की बात नहीं कर रहे हैं कि ये वाला विभव ले लेंगे, हम केवल 3 ओम के प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। तो 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभव अगर V है, 3 ओम के प्रतिरोध का मान R है और उसमें I धारा बह रही है, तो आपको पता है किसी भी तार के किनारों, किसी भी तार के सिरों के मध्य विभव पतन निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, हमको उस तार के प्रतिरोध को मल्टीप्लाई करना होता है उसमें प्रवाहित धारा से। तो R का मल्टीप्लाई I से करेंगे तो कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। लगा दीजिए I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से देखते हैं भाई V कितना है, V है आपका 6 और धारा सॉरी प्रतिरोध कितना है 3, तो 6/3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा I इज इक्वल टू ये हो गया 2 और एम्पियर। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अभी मुझे क्या करना है, अब R का मान बताना है, मतलब ये वाले प्रतिरोध का मान बताना है। ठीक, क्या करना होगा आपको, देखिए इतना तो पता चल गया कि 3 ओम के सिरों के मध्य विभव कितना है, 6 वोल्ट। ठीक, 6 वोल्ट हमने इसको मान लिया था वी डैश, हमने मान लिया इसको वी डैश नहीं वी वन मान लेते हैं। ठीक है, वी वन बराबर कितना आ गया, 6 वोल्ट आ गया। अब अगर हम 1 ओम के सिरों के मध्य विभव V2 निकाल लें और इसी तरह से हमें लास्ट में क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा कि तीसरे ओम यानी तीसरे प्रतिरोध यानी R ओम के सिरों के मध्य विभव कितना है। ठीक, हमने ये मान लिया कि R ओम के सिरों के मध्य विभव कितना है, V3 है। तो बस अगर हम V3 का मान निकालने में कामयाब हो जाएंगे तो V3 पता हो जाएगा, R का मान आई का मान पता है तो आर का मान आराम से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए भाई क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 1 ओम के प्रतिरोध के सिरों के मध्य, सिरों के मध्य विभवांतर कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू आर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा, कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू आई कितना है, 2 एम्पियर, R की वैल्यू कितनी है, 1, कितना आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 वोल्ट्स। ठीक है, चलिए भाई V2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट्स। ठीक, ओके, अभी क्या करना है मुझे, अभी यहां पे हम तीसरे प्रतिरोध की बात करते हैं। अब देखिए तीसरे प्रतिरोध के किनारों पर जो विभव है वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपको R का मान पता ही नहीं है। तो करना क्या पड़ेगा, अब यहां पर हम लगाएंगे श्रेणी क्रम संयोजन का बेसिक कॉन्सेप्ट। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, विभव विभाजित होता है। यहां टोटल पोटेंशियल जो है दोस्तों, कुल विभव जो है V, वही विभव V तो 3 भागों में बट रहा है ना, यानी 12 वोल्ट का विभव 6 वोल्ट, मतलब 12 वोल्ट का विभव जो है वो V1, V2 और V3 में डिवाइड हो रहा है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, आपको V पता है, V1 V2 पता है, आपको V3 निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, V3 को सेपरेट करेंगे, V3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V माइनस V1 माइनस V2। जरा पुट करिए वैल्यू, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस V1 कितना है 6 माइनस V2 कितना है, V2 ये रहा 2। ठीक है, जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, V3 इज इक्वल टू 12 में से 8 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा, ये हो जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए V3 आपको मिल गया ना, अब आप लगाइए, अब आप प्रतिरोध R3 के लिए काम करिए। ठीक है, R ओम प्रतिरोध के लिए भाई V3 बराबर कितना होगा, V3 बराबर I इंटू R हो जाएगा। यहां से R की वैल्यू निकालिए, कितना आएगा, V3 अपॉन में I आ जाएगा, और V3 की वैल्यू हम यहां से निकाल चुके हैं। ठीक, रख दीजिए जरा इसमें, कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू V3 की वैल्यू है 4 और धारा कितनी है, धारा है 2। तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू 4/2, मतलब आ जाएगा 2 और मात्रक हो जाएगा ओम, यानी कि R का मान कितना होना चाहिए, 2 ओम होना चाहिए। आपसे यही पूछा था, धारा पूछ रहा था, यहाँ पे आपको धारा मिल गई, आपको ओम मतलब प्रतिरोध पूछ रहा था, प्रतिरोध मिल गया। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने जो पढ़ा, इसके रिटेन नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।